वेलकम टू मोजे फैक्ट्स, फैक्ट्स दैट आर डिलीवर्ड एंड मेड अंडरस्टूड। आइए देखें 21 महिलाओं की आदतें जो पुरुषों को पसंद नहीं आती, या जो पुरुषों को परेशान करती हैं, या उन्हें गुस्सा दिलाती हैं। तो ये वीडियो अब दिलचस्प होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहला है अपने आदमी को बदलने की कोशिश करना। यदि आप उससे प्यार करते हैं तो उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह है। लगातार तुलना और आलोचना से उसे बदलने की कोशिश ना करें। कोई भी किसी को या किसी व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं बदल सकता, ये असंभव मिशन है। दूसरा है ज़्यादा बॉसी एक्टिंग या उस पर ज़्यादा अत्यधिक घमंडी अभिनय ना करें, क्योंकि पुरुष महिलाओं द्वारा नियंत्रित होने से नफरत करते हैं। उससे उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है। उसके साथ मैत्रीपूर्ण भाव से व्यवहार करें तो वो भी आपको अपना के चलेगा। तीसरा है एक आदमी का तिरस्कार करना। उस पर हंसना एक बात है, लेकिन यह कहना कि तुम मूर्ख हो, बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, तो ज़्यादा देर तक सहन नहीं किया जा सकता। उसके अहंकार के साथ खिलवाड़ मत करो, वो आप पे गुस्सा हो सकता है। चौथा है ड्रामा क्वीन बनना। प्रमुख मुद्दों में सामान्य स्थितियों का नाटकीयकरण करते हुए तिल का पहाड़ बनाना, अति भावुक हो जाना, रोना जारी रखना और ड्रामा क्वीन बनना, ये आपके रिलेशनशिप के लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा। पांचवा है टू मच नोजी, यानी कि लगातार हस्तक्षेप करना। पुरुषों के लिए यह कष्टप्रद होता है कि जब महिलाएं लगातार हस्तक्षेप करती हैं और हमेशा कुछ भी जानना चाहती हैं और फोन पर या व्यक्तिगत रूप से लगातार सवाल पूछती रहती है, ये इनको अपने काम से बेध्यान कर सकती है। छठवां है सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करना। महिलाएं लगातार पुरुषों की आलोचना करती रहती है और उन्हें नीचा दिखाती रहती है। साथी के अच्छे गुणों को ना पहचानने और प्रशंसा ना करना, लगातार शिकायत, यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से भी उन्हें प्रताड़ित करते रहना, रिश्ते को नष्ट और बर्बाद कर सकता है। सातवां है आदमी के रिश्तेदारों या आसपास के लोगों से ना जुड़ना या उसे पसंद ना करना। आदमी को उसके रिश्तेदारों, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन और दोस्तों से अगर औरत रिश्ता नहीं बनाती या नहीं जुड़ती तो उसे ये जरा भी पसंद नहीं। आठवां है मटेरियलिस्टिक वुमन। भौतिकवादी महिलाएं हर बार रिश्ते और प्यार के बदले में पैसे या तोहफे मांगना, हमेशा आभूषण, जूते, बैग, कपड़े और महंगी चीज़ें आदि की मांग करते रहना, ये अगर अधिक हो जाए तो वो जल्द ही आपको छोड़ सकता है। नौवां है नॉट डूइंग वाइफी थिंग्स। लैंगिक समानता के नाम पर एक भी घरेलू काम ना करना या पत्नी की हैसियत से कोई भी काम ना करना, ऐसा नहीं चल सकता। दसवां है दोष ढूंढना एवं दोषारोपण करना। जो महिलाएं हर किसी और हर चीज़ में गलती देखती हैं, वह अकेली है जो सही काम करती है, हमेशा अधिक कठोर हो जाती है और अधिक श्रेष्ठ महसूस करती है, तो फिर वह उससे बचना शुरू कर देगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अमोंग योर फ्रेंड्स। ग्यारहवां है डिसमिसिंग या नज़रअंदाज या इग्नोर करना। जो महिलाएं पति को हमेशा नज़रअंदाज या इग्नोर करती रहती है, तो गलत तरीके से सोचने वाले और नज़रअंदाज किए गए पुरुष रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा खतरनाक होते हैं। बारहवां है एक्सट्रीम टॉकिंग। अत्यधिक या बहुत ही बुरी बात करना। महिलाओं की प्रवृत्ति अत्यधिक या बुरी बात करने और किसी ऐसे मामले के बारे में बार बार बोलने की होती है जो उन्हें नहीं लगता कि वो मामला हल हो गया है, जिससे रिश्ते में समस्याएं पैदा हो सकती है। तेरहवां है बीइंग मिस्टीरियस, रहस्यमय होना। काफ़ी समय तक रहस्यमय बने रहना और अपनी शंकाओं के समाधान के लिए ठीक से उत्तर न देना उसको गुस्से से पागल कर सकता है। चौदहवां है किसी और के साथ फ्लर्ट करना, जो आदमी को नियंत्रण के बाहर कर देगा। और एक याद रखें कि उसका विपरीत भी वही रिएक्शन होगा। पंद्रहवां है अचानक वह बेकार में बात करना बंद कर देगी। महिलाएं उसे कारण बताए बिना बात करना या जवाब देना बंद कर दें तो इससे यह निश्चित रूप से परेशान और बहुत परेशान हो जाएगा। सोलहवां है उसकी सुंदरता से चिढ़ाना। प्यार और शारीरिक अंतरंगता को रोकना
खुद को अनुपलब्ध बनाना हमेशा एक चारा नहीं होता है जिसका इस्तेमाल स्थिति से निपटने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इससे आदमी बहुत परेशान हो जाएगा और दूसरी महिला की ओर भटक जाएगा। 17वां है प्यार का झूठा वादा। प्यार का दिखावा या झूठा वादा करना, वादे के बाद इनकार करना, ये उसको जरा भी पसंद नहीं। 18वां है हमेशा अतीत को खंगालते रहना, यानी कि ऑलवेज माइनिंग द पास्ट। हमेशा पिछली घटनाओं के बारे में बात करते रहना और उसको हर बार पुराने उदाहरण देते रहना, ये वास्तव में उसको बोर करता है और आपके प्रति अभिगम को बदल सकता है। 19वां है प्रमोटिंग हर सेल्फ एज शी इज ऑलवेज राइट, यानी खुद को ऐसे प्रमोट करना कि वही सही है बाकी सब झूठ, या वही सच बोलती है बाकी सब झूठ बोलते हैं, तो यह दोबारा आदमी को कुछ भी बात करने से रोकेगा। 20वां है प्यार करते समय बातें करना या उससे कोई भी बात मनवाना, ये आदमी को बहुत परेशान और इरिटेटिंग लगता है जो उसे जरा भी पसंद नहीं। 21वां है डोंट ट्राई टू बी हिज मॉम, कोई भी औरत अपने आदमी की माँ बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो वही औरत है जो कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया का सामना करती है, लेकिन वह उसे ये न बताए कि कैसे खाना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, क्या पहनना है, क्या खरीदारी करनी है, क्या उसकी आदत होनी चाहिए, इससे आपके रिश्ते पर असर पड़ सकता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट एंड डू सब्सक्राइब मोज इफेक्ट्स।